तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका गणपति व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का टाइम है और मैं नाली अब लड्डू गोपाल जी को नहला रही हूँ। इसका छोटा सा तो लोटा है और छोटा सा इसकी ट्रे है जिसमें ये बैठ के नहाता है। छोटी सी इसका टावल है, देखो कितना सुंदर सा टावल है। अब ये कपड़े पहनेगा और इसको खूब मज़े आते हैं नहाने में, तो सुबह सुबह नहा लेता है। ये इसकी अंडरवियर है और अभी पहन के आपको दिखाएगा कि किस तरह से पहन के मटक मटक के चलता है और बड़ा प्यारा लगता है। सुंदर सा लड्डू गोपाल छोटा सा, ये देखो घुटने घुटने चलता है। अब इसने कपड़े भी पहन लिए, आज शनिवार है तो इसने नीले रंग के कपड़े पहने, तो बड़ा ही सुंदर सा ड्रेस है इसका। और ये देखो निजरी है, इसके गले की माला है ये, ताकि इसके नज़र नहीं लगे तो इसके नजरे भी पहना दिए। और अब ये पिएगा दूध, और दूध पी रहा है ये, छोटी सी चम्मच है, छोटा सा गिलास है। और ये रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा हुआ है कि इसका मुंह ही नहीं दिख रहा आप लोगों को, तो कोई बात नहीं, नहाते हुए देख लिया मुंह तो आपने। अब मैं सोचे मैं क्या करूँ, तो काम तो सलट गया, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने सोचा चलो कपड़े धो लें। तीन चार दिन के कपड़े पड़े थे, मैं तो सुबह सुबह नहा लेती हूँ, फिर नहाने के बाद ही लड्डू गोपाल को तैयार करती हूँ। अब कपड़े धुल गए तो मैंने सोचा कपड़े ही सुखा लेती हूँ, पहले धो लिए अब सुखा रही हूँ। तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पूरी गीली भी हो गई मैं तो। गीली तो कोई बात नहीं, गर्मी कम लग रही है, लेकिन रीढ़ की हड्डी की बैंड बज गई क्योंकि बैठ के कपड़े धो रही थी। वो कपड़े तो खड़े खड़े तो धो नहीं सकते, इसलिए घुटनों में भी दर्द हो रहा था, तो भी कपड़े तो धो ही दिए आज। पति देव के और बेटा जी के कपड़े हैं ये, बेटी तो खुद ही धो लेती है। तो ये देखो ये टी शर्ट, ये देखो पति देव के तो ज़्यादा नहीं होते, लेकिन बेटे के बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो सारे कपड़े धोने पड़ते हैं कभी कभी, तो टाइम मिल जाता तो मैं कपड़े धो देती हूँ। और कपड़े धोने का कारण क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। कपड़े हाथ से धोने का कारण है कि मशीन को आज दो तीन महीने हो गए सही नहीं हो रही है, और एक जने को बुलाया था सही करने के लिए जो वो और ख़राब करके चला गया, तो जो काम निकल रहा था ना वो भी बेकार हो गया। तो अब सारे कपड़े जुराब और ये सब मुझे हाथों से धोने पड़ते हैं। रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है वो अलग, बैठने से नीचे और घुटनों में दर्द हो रहा है वो अलग। तो ये देखो ये सॉक्स हैं, सॉक्स सुखा रही हूँ, क्या करूँ, धोए भाई सबके सॉक्स भी धोए, गर्मी भी लग रही थी, गीली भी हो गई पूरी। अब ये देखो ये है मेरी गली में जो मैंने पौधे लगा रखे हैं ना वो है, तो अब इस गली को धो देती हूँ, गली तो हो ही रखी हूँ तो इसको भी धो देती हूँ साथ साथ में। तो इधर पौधे लगा रखे हैं, पौधों में पानी भी डाल दिया, वैसे चांसेस तो हैं बारिश आने के, लेकिन फिर भी डाल देती हूँ क्योंकि अभी धोऊँगी यहाँ से तो फिर पानी गिरेगा, मिट्टी गिरेगी गमलों की, तो इसको भी धो देती हूँ। ऐसा करके अब मैं धो रही हूँ इसको। तो आप वीडियो के साथ बने रहा करो और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि अब तो ज़्यादा नहीं है तो दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो, और आगे और अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे तो आप मेरा हौसला बढ़ाया करो, कमेंट करा करो कि भाई आपको वीडियो अच्छे लगते हैं। जब मैं वीडियो व्हाट्सएप पर इन पर शेयर करती हूँ तो व्हाट्सएप पे मेरे पास कमेंट आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कमेंट बॉक्स दे रखा उसमें कमेंट नहीं करते आप लोग, तो आप लोग कमेंट इसी के अंदर भी करा करो। तो ये देखो पानी मैंने पौधों में लगा दिया है, और अब थोड़ा सा वाइपर से इसको साफ़ करूँगी पूरी गली को। ये वाइपर ले लिया मैंने और अब इसको साफ़ कर रही हूँ पानी को। तो वाइपर से साफ़ करने का एक फ़ायदा होता है
कि बार बार गीला करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में सूखा हो जाता सारा। तो ये वाइपर से फ़ायदा बता दिया मैंने आपको। तो अब पौधों में पानी भी दे दिया यार वाइपर से, साफ़ सफाई भी हो जाएगी। उसके बाद देखो क्या करती हूँ, तो बड़ा ही ऐसा निकलता है हमारा टाइम दिन का। साफ़ सफाई तो हो गई थी, पोछा झाड़ू तो गली बाकी रह रही थी। बाथरूम साफ़ सफाई हो गई, तो गली बाकी रह रही थी, तो उसको भी अभी साफ़ कर दिया। ये देखो साफ़ करके इधर ही आ रही हूँ मोबाइल की तरफ। अब दिखाती हूँ देखो पेड़ पौधे बैक कैमरे से आपको। ये जब गुड्डू का बर्थडे था ना, तो मेरे भतीजे ने दिया था उसको गिफ्ट में। इसकी फ़ोटो भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो कितना सुंदर सा। अब ये इंडोर है कि आउटडोर है ये तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो इन पौधों के साथ ही इसको लगा दिया। और ये करीब करीब लगता तो पपीता जैसा है, लेकिन पपीता नहीं है ये। और ये तुलसी है, जब मैं फ्लेरा चली गई थी तो ये थोड़ी सूख गई, तो मैंने पानी रोज़ पानी डालने लगी तो ये वापस हरी हो गई। और ये इसमें कुछ है नहीं, ये बिछा जड़ी है ही, इसको तो अपन सब जानते हैं, गुलाबी रंग के फूल आते हैं। ये भी एक बिना पानी का ही है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये अजवाइन का है, ये मनी प्लांट है मेरा। और ये नीचे सुदर्शन वाले हैं, ये हरे हो रहे हैं, अभी पानी मिलता है इनको। बारिश के पानी से तो सारे पौधे पेड़ पौधे खिल जाते हैं। तो ये देखो, और ये पाइनएप्पल था, जो पाइनएप्पल तो खा लिया हमने। इसके जो ऊपर के होते हैं ना पत्ते, वो छोटे छोटे थे जो पानी में डाल के रख दिया। अरे देखो कितना बड़ा हो गया। और ये बाजरा है, कोई बाजरे के दाने पड़ गए थे इसके अंदर गमले में। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। और कमेंट मेरी प्यारी बहनों, कमेंट व्हाट्सएप पे मत किया करो, कमेंट इस पे किया करो जो आपको देख करके कोई और भी कमेंट करे। ये देखो मेरी गली के अंदर ये कपड़े सूख रहे हैं, ये पेड़ पौधे लग रहे हैं, हरा हरा अच्छा लगता है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।